सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश अर्गल जी का, जो सीईओ हैं राज्य आनंद संस्थान में, कि इस शिविर की पृष्ठभूमि और जितने भी प्रतिभागियों से क्या अपेक्षा बन रही है उसे आप सबके सम्मुख रखें। मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्ते सर। नमस्कार साथियों, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल बढ़िया आ रही भाई। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के हमारे एवं AICTE के हमारे सभी सम्माननीय साथीगण, राज आनंद संस्थान के से जुड़े हमारे सभी आनंदक साथी, आप सभी का इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हम लोगों ने 15 मई 2021 को आनंद का आधार क्या है इस विषय पर एक 2 घंटे का वेबिनार यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टीम एवं AICTE के सहयोग से आयोजित किया था। मेरे ख्याल से आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी शायद उस प्रोग्राम में भाग लिया होगा, और इस कार्यक्रम में जिन प्रतिभागियों ने भी भाग लिया था उन्होंने इस कार्यक्रम की काफी सराहना की। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और AICTE के सौजन्य से एक और 5 दिवसीय कार्यशाला मई के अंतिम सप्ताह में 26 मई से शुरू की थी, एवं उसी श्रृंखला में यह दूसरी कार्यशाला आज से शुरू हो रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज आनंद संस्थान लगातार राज्य के नागरिकों को आनंद के उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रहा है, और यह कार्यशाला भी वास्तव में उसी दिशा में एक प्रयास है, एक कदम है। अगर हम सतत रूप से आनंदित रहना चाहते हैं तो हमें आनंद का आधार क्या है इस बात पर अपनी समझ बढ़ानी होगी। क्या आनंद अधिक से अधिक पैसा एकत्र करने से है, या अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को एकत्र करने से है, अधिक सम्मान प्राप्त करने से, बड़ा ओहदा प्राप्त करने से है, परिवार से है, मित्रों से है, या अन्य किसी चीज से है? यह समझना बहुत जरूरी। वास्तव में हमें पहले अपने आनंद को सही ढंग से समझने की जरूरत है, और फिर उस दिशा में स्वयं पर कार्य करने की जरूरत है। मैं यहां रेखांकित करना चाहूंगा कि सिर्फ आनंद की सही समझ भर से आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक हम दिशा में स्वावलोकन नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, तब तक हमको, जब तक हम आनंद को स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम आनंद के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और तब तक हम उसको सतत रूप से सस्टेनेबल बेसिस पे हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। यह 5 दिवसीय कार्यशाला वास्तव में हमारे आनंद की पहचान करने का एक सुनहरा अवसर है। हम इस दौरान स्वयं के विश्लेषण से आनंद की सही समझ विकसित कर पाएंगे, तथा इस रास्ते पर कैसे चल सके इसकी विधि भी जान पाएंगे। वास्तव में यह कार्यशाला स्वावलोकन की कार्यशाला है, और इसलिए आपकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मेरा सभी आनंदक साथियों से अनुरोध है कि हमें इस कार्यशाला के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कार्यशाला के दौरान जो चर्चा सत्र हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे एक क्रम में हैं। अतः जरूरी है कि हम किसी भी चर्चा सत्र को मिस नहीं करें, किसी भी सत्र की में ऐसा ना हो कि हमारी भागीदारी ना हो, अन्यथा हमें आगे के सत्र को कनेक्ट करने में, उसको समझने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी बात यह है कि कार्यशाला के दौरान बहुत से छोटे छोटे अभ्यास भी हैं, बहुत सारे पोल हैं, उनमें भी हम सभी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
यूनिवर्सल ह्यूमन टीम के सदस्यों ने क्या अनुभव किया उसको जरूरी नहीं है कि आप सही माने। वास्तव में उनके अनुभव की स्वयं पर जांच करने की जरूरत है, और यदि आपको सही लगे तभी उस पर अमल करें। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को दिल से नहीं स्वीकारते हैं तब तक हम उस पर पूरी लगन से अमल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अंतर्द्वंद अभी खत्म नहीं हुआ है, तभी हम उस पर लगन से कार्य नहीं कर पा रहे। और जब तक हमारा अंतर्द्वंद पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, जैसा अनीता जी भी शेयर कर रही थी, तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। साथ ही जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे कि कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन के लिए भी अभ्यास दिए जाएंगे जो लंच टाइम तक आएंगे, उसके बाद दूसरे दिन 9 बजे तक हम उनको कर सकते हैं, उनको भी करना जरूरी है, क्योंकि ये अभ्यास हमारी समझ को और गहराई तक ले जाने में मदद करता है। अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आभार व्यक्त करना चाहूंगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टीम का, सभी सम्मानित उनके सदस्यों का, AICTE के सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद जब भी हमने अनुरोध किया अत्यंत शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं इसके लिए पूरी टीम के सभी सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं, एवं उम्मीद करता हूं कि हम लोग आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे, एवं न केवल स्वयं आनंदित जीवन जिएंगे बल्कि अन्य लोगों को भी आनंदित जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपको मंच सौंपता हूं। धन्यवाद।